अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से माशाल्लाह से हमारी प्यारी अमल भी अब बिल्कुल ठीक ठाक है और खैरियत से है। और इसीलिए आज हम अमल की बहुत ही प्यारी सी प्लेफुल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ अमल के नानो हाउस टूर के कुछ क्लिप्स, सारी प्रिपरेशंस, अमल के ड्रेसेस। और अमल ने जी है वो बोलना भी स्टार्ट किया है, तो हम इसमें अमल के बोलने के क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और माशाल्लाह पढ़ना भूलना नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो जी ये अमल का जो है वो ड्रेस है जो अमल ने अपने नानों के घर जाने के लिए पहना था। ये ड्रेस अमल की फूफो लाहौर से लेकर आई थी। बहुत ही मज़े का गर्म सा और प्यारा सा ड्रेस है ये तो। और जी ये है जी अमल का बैग जिसमें सारी अमल की मैंने ज़रूरी सामान रखा था। ये अमल के बेबी कॉट में इसकी पिक्चर है। ये कुछ मैंने अमल की पिक्चर्स जो इसके ड्रेसेस की थी वो ऐड की हैं। ये अमल की कुछ फ़नी फ़नी सी मज़े की पिक्चर्स थी ये। और ये अमल के अपने बाबा के साथ पिक्चर्स हैं सी ऑफ टाइम की। तो इस सारे बैग के अंदर जो इसकी पैकिंग की थी वो भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने रखी थी। तो चलते हैं हम पैकिंग की तरफ। इसमें सबसे पहले मैंने इसके डायपर्स रखे हैं इसके बैग में, क्योंकि मैं डायपर्स हमेशा कम या ज़्यादा कर देती हूँ, तो वो भी मैंने रखे, लेकिन इस दफ़ा पूरे पूरे आ गए थे। फिर इसकी शीट्स रखें, बिब्स और टॉयज़ वगैरह रखे, क्योंकि नानों के घर भी इसको अपने टॉयज़ पुराने ही याद आते हैं, तो इसलिए मैंने सारे वो ही रखे हैं। इसके सारे टॉयज़, वाइप्स और हर चीज़ जो ज़रूरी थी पहले वो रख ली है। फीटर भी इसकी छोटे वाले भी रख लिए हैं, और जो बड़ा फीटर था वो तो मैंने बना के साथ में गाड़ी में रख लिया था। ये अमल ने जो ड्रेस चेंज करना था वो भी निकाल के रख लिया। और उसके बाद ये बाकी ड्रेसेज हैं जो वहाँ पे पहनेंगी। और जितने दिन ले जा रहे थे तो हर रोज़ का एक एक ड्रेस और रात का अलग ड्रेस, क्योंकि इसकी खाला कहती हैं कि इसके ड्रेसेस ज़्यादा लेकर आया करो, हमने बार बार चेंज करवाने होते हैं, पिक्चर्स बनानी होती हैं। तो उस हिसाब से मैंने अमल के काफ़ी सारे ड्रेसेस रख लिए थे। और क्योंकि अब वेदर भी चेंज हो रहा है तो मुझे नीचे से स्वेटर्स और हाईनेक्स और या फिर ऊपर से अपर्स वगैरह, साथ में इसकी लेगिंग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी साथ में रखी मैंने, ठीक है। और मैचिंग करके ये जो है वो इसका चीज़ें सारे पेयर्स बना के तो वो मैंने साथ में रख लिया। ये कुछ रोम्पर्स थे, कुछ हाईनेक्स थी, और ये इसका जो है वो नाइट वाला रोम्पर है प्लीज़ का, ये भी बड़े मज़े का है, ये अमल की बड़ी पुप्पो ने भेजा था। तो ये अमल की कैप्स हो गई और सॉक्स हो गई और फीडर कवर हो गया। ये सारी अमल की जो है वो हमने तैयारी कर ली है। सबसे पहले इसकी पैकिंग करेंगे। ये अमल का वेलवेट का एक ड्रेस रख लिया हमने साथ में, ये भी अभी फ़र्स्ट टाइम ही वेयर करवाना था। फिर अमल की हमने थोड़ी सी ज्वेलरी भी साथ रख ली, ठीक है। ये भी सारे गिफ्ट्स हैं, कुछ खाला ने दिए अमल की, कुछ पुप्पो ने दिए हैं। और फिर ये अमल का ये नेल कटर सेट, शैम्पू, लोशन, पाउडर और इस तरह की सारी मैंने चीज़ें भी इसमें रख ली थी। अमल की पैकिंग कम्प्लीट हो गई तो उसके बाद जी मैंने अपना ड्रेस निकाला। मैंने कभी अमल के साथ मैच करते हैं तो मैंने अपना भी ऑफ वाइट सा ड्रेस निकाल लिया। अमल का भी ऑफ वाइट था तो हमने कहा आज हम ट्विनिंग करेंगे दोनों। और ये वीडियो है अमल के घर की, इसमें जो है अमल ने कुछ कुछ जो है वो बातें भी करनी शुरू कर दी हैं, तो इसमें आपको अमल की आवाज़ें भी सुनने को मिलेंगी, ठीक है। जिसमें अमल चाँ पाँ कर रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसमें चुप कर जाती हूँ ताकि आप अमल की आवाज़ें सुन सकें। हाँ जी, और आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ने भूलना नहीं है और अमल को अपने दुआ में याद रखना है। ये जाने से पहले अमल जो है वो घर में अपने लगी हुई थी अपने कामों में और अपने हाथों को खा खा के साथ में बातें कर रही थी। और ये जी अमल के बाबा के साथ बहुत ही क्यूट से क्लिप्स हैं। ये जब अमल के बाबा हमें नानू घर छोड़ के जाने लगे थे तो अमल जो है वो अपने बाबा को सी ऑफ कर रही है, मिल रही है उनसे और साथ साथ उनका पकड़ने की कोशिश कर रही है मुँह, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। हाँ जी जी, तो अब हम नानू घर पहुंच गए हुए हैं और ये अब हम सो के सुबह उठे हैं। तो अमल जो है वो देख रही है कि मेरे पास ये क्या टॉय आ गया है, मैं आज कहाँ उठी हूँ। तो आप इसकी एक्साइटमेंट चेक करें, देखें इसका फेस सुबह सुबह ही उठते ऐसे ही हो जाती है और रात को सोने से पहले भी ऐसे ही हो जाती है, बीच में सिर्फ रोती है अभी। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है। और ये देखिए अब मेरे हाथ के साथ ही सारा ये खेल रही है, देख रही है, एक नज़र मेरी तरफ देखती है, अभी भी स्लीपी है।
हाँ जी हाँ जी, तो मैंने मुझे बड़ा क्यूट सा क्लिप लगा तो मैंने ये कैप्चर किया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ माशाल्लाह से। हाँ जी, तो इसको टॉयज़ की इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अपनी मर्ज़ी से जब इसका दिल करे तो टॉयज़ फेंक देती है और इस तरह की चीज़ों से खेलने लग जाती है। ये अमल का बहुत प्यारा सा मज़े का ड्रेस था, तो इसमें हमने अमल की एक वीडियो बना ली थी छोटी सी। हाँ जी, रेड रेड फेरी, इसमें बड़ी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। ये अमल के रही रात के सोने से पहले की वीडियो है, जब मैं इसको सुला रही थी लाइट्स ऑफ करके। लेकिन ये देखें, ये लगी हुई है चाँ अपनी वो जो इसका टॉय है उसकी सीटी है अंदर, उसको बजा रही है ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के। हाँ जी, ये मेरी बच्ची सोती नहीं है रात को, पता नहीं इसको क्या हो जाता है और ये इस तरीके से खेलना शुरू कर देती है। हाँ जी, तो ये फिर सुबह के हैं, सुबह फिर हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, रात को हम सोने के लिए और पहन लेते हैं। या मतलब अपने ब्लैंकेट के साथ खेल रही है, ये देखें खुद से पीकाबू कर रही है, अपने मुंह पे रख लेती है फिर पीछे खींच लेती है। ये देखें खींच के हुडी इसने कर लेना आगे, हुडी इसने पीछे कर देना अपने पाँव के साथ। ये भी अमल की नेक्स्ट डे की वीडियो है जिसमें अमल प्ले कर रही है अपने हाथों के साथ ही। ऊपर खाला खड़ी हैं, खाला को भी थोड़ा सा देख लेती है और फिर अपने हाथों के साथ प्ले करके तो ये देखें क्लैप करने की कोशिश कर रही है माशाल्लाह से। तो ये बहुत ही क्यूट क्यूट से क्लिप्स थे जिसमें अमल की न्यू एक्टिविटीज़ थी सारी, तो मैंने कहा वो शेयर करती हूँ क्योंकि पिछली में अमल जो है वो काफ़ी दिनों से बीमार थी, इसलिए मैं कोई न्यू वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। तो अब मैंने ये जो है वो आपके साथ शेयर की हैं क्लिप्स इसके। हाँ जी, अब माशाल्लाह से अमल ठीक हो गई है और कभी कभी अपनी खाला को भी अंदर देख लेती है। फिर अमल को अपनी सॉक्स मिल गई, कहती वाओ ये क्या चीज़ है। हाँ जी, और ये भी अमल की एक वीडियो है अपने एक और टॉय के साथ खेलते हुए। इसी तरीके से छोटी छोटी मैंने वीडियोस इसमें ऐड की हैं जिसमें अमल जो है वो खेल खोल रही है और आजकल जो है वो चबाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसको जो है वो इसका पीस टीडर भी ला के दिया हुआ है, वो नहीं ये चबाती है। आपने एक क्लिप में देखा होगा जो इसमें ब्लू सा ड्रेस इसने पहना साथ में वो गिराया हुआ है, उसके अलावा हर चीज़ इसने मुँह में डालनी है, लेकिन वो इसने नहीं मुँह में डालना जो जिस पर्पज़ के लिए है वो चीज़ इसने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। और इर्द गिर्द की चीज़ों की तरफ ध्यान कर लेना है, मामा वीडियो बना रही है उनकी तरफ ध्यान नहीं करना, हमने इधर इधर देखना है उधर कौन आ गया इधर कौन आ गया, बस इन चीज़ों की तरफ। अभी भी देखें इसकी आँखें कहीं और हैं, देख इधर उधर रही है अपने हाला को कि वो क्या कर रही हैं। तो ये जी हमारा आ गया लास्ट डे, ये हमारा लास्ट डे का ड्रेस हो गया। हाँ जी, ये लास्ट डे, अब हम घर वापस आ चुके हैं। तो ये घर आने के बाद मैंने इसका क्लिप बनाया था। हाँ जी, तो इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में माशाल्लाह भी करना है, और आपने ये भी बताना है कि अमल के कौन सा आपको जो है वो ड्रेस अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।